Hello students, so today we are going to have a very important discussion, especially with respect of the last 12 to 15 days to go before the JEE mains. What to do, what not to do, what can make our 12 to 15 days which are remaining disastrous and what can make them miraculous. Please listen carefully, from the past 18 years of my training with the students and a student myself, I have learned certain things which we do, which mess up the things, and there are few things which good students do which help them perform beyond their capabilities, right? How to make it disastrous and how to make it miraculous. So point number one, disastrous. I have not done sufficient. I could have done more. What if I would have realized earlier? We have this tendency, right? At this point of time there is no point loathing, right? आप criticize मत करिए अपने आप को. This is what makes it disastrous, right? Stop living in the past, right? So by what could have been, what I should have been, what it would have been, right? You are doing nothing but pressurizing yourself, overburdening yourself with the guilt. So this is disastrous. Now what will make it miraculous? Stop worrying about what could have been and rather focus on what can be. Whatever past has happened, the past cannot be changed, right? So we are not ought to think about what could have been. Make it miraculous by thinking what can be done and start working on that. Small changes every day, small things every day can make it better. Point number two, setting and chasing impossible targets. Disastrous. At this point of time, यार chemistry में मैंने आयनिक जैसा टॉपिक पढ़ लिया होता तो, केमिस्ट्री में मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में मास्टर कर लिया होता तो वाई मेक सच टारगेट्स विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड. यार आप कितनी भी कोशिश कर लो, आयनिक लास्ट के 15 दिन में मास्टर नहीं हो सकता, स्टीरियो लास्ट के 15 दिन में मास्टर नहीं हो सकती, राइट? तो इतने बड़े बड़े टारगेट्स बना के अपने आप को डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड फील कराना डिजास्टर्स, राइट? इंस्टेड बीइंग रियलिस्टिक इज नॉट पेसिमिस्टिक, रादर बीइंग रियलिस्टिक इज ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिकली चलिए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, मेक श्योर कि आप उन्हें अच्छे से कर सकें, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट अचीविंग थिंग्स. पॉइंट नंबर थ्री, बीइंग फॉरसाइटेड. हाँ, यहां बैठ के हम अब सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्या आएगा, उससे क्या होगा. वाई टू लुक दैट फार, थिंकिंग अबाउट ऑल द एग्जाम्स दैट आर टू बी कमिंग. जेईई मेन्स होगा जनवरी वाला, फिर सीबीएसई होगा जी, फिर अगला जेईई मेन्स होगा, फिर बिट्स होगा, फिर एडवांस. इतना सारा अपने पे बर्डन डालने की आवश्यकता क्या है भाई? स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एज ऑन नाउ मेक इट मिरेक्युलस बाय थिंकिंग ऑन व्हाट इज इमीडिएट, व्हाट इज राइट नाउ इन आवर हैंड, व्हिच इज टू बी डन. स्टॉप प्रिडिक्टिंग थिंग्स जो आगे की होने वाली है, ठीक है जी? बीइंग मिरेक्युलस अबाउट इट. प्रिडिक्शन, फोर्थ पॉइंट, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस अपने बारे में. तेरे बुरे कर्मों का फल अब तुझे मिलने जा रहा है. कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हमारे माँ बाप के मुंह से भी ये शब्द निकल जाता है, ठीक है? बट दैट इज नथिंग बट एन इमोशनल डिस्ट्रेस दैट दे आर गोइंग थ्रू. ट्राई एंड अंडरस्टैंड देम. दोज पुअर पीपल आर एक्चुअली टू इमोशनली इन्वॉल्व विद यू, सो दे आर इमोशनली इनसिक्योर, सो दे कैन से दीज थिंग्स. बट वाई डू यू कीप रिपीटिंग देमसेल्फ टू योरसेल्फ, राइट? क्यों यार अपने आप को क्यों बताना है कि भैया तूने पहले नहीं किया, अब तो कुछ होगा नहीं, अब देख आने वाले समय में तेरा क्या क्या खराब हो जाएगा. तो कृपया करके ये डिजास्टर्स ना करें, ठीक है जी? मिरेक्युलस, अपने अंदर के इस एस्ट्रोलॉजर का डब्बा बंद करिए. Stop giving predictions about what is going to happen. If anything, just remember this: if the mistakes of the past can create this future, right? Then similarly, the goods of the today can bring the goods in the tomorrow. Stop predicting, right? Next point, disastrous. Why shouldn't I do all the excellent topics right now and try and do them averagely? यार सब कुछ करके जाना जरूरी होता है. केमिस्ट्री के 36-33 चैप्टर तो सबको छूना जरूरी होता है. फिजिक्स के 18 चैप्टर 20 चैप्टर तो सबको करना जरूरी होता है. भैया हर चीज को छूने जाओगे, हर चीज को आराम से सिर्फ टच करके, किसी पे भी कुछ कमांड नहीं आया आपका, राइट? स्पेशली डूइंग डिफिकल्ट थिंग्स, रोटेशनल कर रहे हैं बैठ के, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं बैठ के, कैलकुलस के हाई एंड क्वेश्चन पे देखना, ठीक है? एक्सेप्शनल चीजों पर ध्यान देना. वाई दिस इज डिजास्टर्स. मिरेक्युलस, रादर देन वर्किंग ऑन द डिफिकल्ट थिंग्स वेल, work on the average things excellently. If you end up doing excellent things averagely, this is not going to bring any good to you. Rather do average things excellently. Focus करिए उन चीजों पे जिस पे आपका command already अच्छा है. Try and strengthen your strength, right? then you will be doing better. आप लोग अपने आप पे एक अपेक्षा का और एक गिल्ट का ऐसा बर्डन डाल के बैठ जाते हैं जिसकी वजह से दूसरी तरफ से नुकसान होना शुरू होना ही है, राइट. सो मेक इट मिराकुलस. आप एवरेज टॉपिक्स पे काम करिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले पे, सेमीकंडक्टर वाले पे, आसान आसान छोटी छोटी चीजें यार जो इस समय कम ताकत लगा के अच्छा डिविडेंड, अच्छा रिटर्न दे सकती हैं. आपने एस ब्लॉक पे मेहनत करी, अच्छा है, ठीक. आपने थोड़ा थोड़ा पी ब्लॉक पे मेहनत करी, अच्छा है. लेकिन अगर इसी समय आपने इनऑर्गेनिक के इन आसान टॉपिक्स की जगह कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फंडामेंटल समझने का प्रयास किया, सीएफटी क्यों नहीं मैं मास्टर कर पा रहा, व्हाई टू थिंक अबाउट दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, दिस इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू, राइट. एज दे से द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स इज ब्लैक होल, एंड दे आर राइट अबाउट इट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लैक होल ऑफ फिजिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक होल ऑफ डिप्रेशन एंड डिजेक्शन, ब्लैक होल ऑफ गिल्ट एंड ग्लोट, right. This is the strongest force, as they say that all the water in the world cannot sink a ship if not for a hole inside it, right. आपकी आत्मा और आपकी चेतना में ये जो lack of confidence, lack of belief का छेद है ना, ये नेगेटिविटी के उस पानी को अंदर आने देता है जो आपकी उम्मीदों के जहाज को डुबो देता है. तो भैया उस छेद को बंद करो, उस छेद को बंद करो, और फिर उस नेगेटिविटी के पानी पे ही आराम से हिचकोले खाती हुई हमारी जो नदी के अंदर चलती हुई हमारी नाव है वो सीधे मंजिल तक पहुंच के जाने वाली है, राइट. स्टॉप नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, मेडिटेशन करिए, राइट. एंड देयर आर फ्यू मोर टिप्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस काइंड ऑफ वीडियोस इन द नियर फ्यूचर आल्सो, राइट. सो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक ऑन जेई. सो please make sure that you listen and follow everything that I'm saying in my capacity as a teacher, friend, philosopher, guide to you, right. Please do listen, try and share these things with all the people you know, right. If parents, you are watching me right now, I would humbly request you to kindly share these thoughts with your kids and with the JEE aspirants or any student who is appearing in the competitive exams, right. Thank you so much, God bless you all, and please do like, subscribe and share.